हे गाइस, स्वागत है सबका और एक नई वीडियो में। दोस्तों, फाइनली रियलमी 7 प्रो डिवाइस के लिए दिसंबर मंथ का एक फ्रेश न्यू ओटी अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो अपडेट रोल आउट किया जा रहा है इसके साथ आपको क्या कुछ न्यू फंक्शन देखने को मिलेगा, कौन सा मेजर बग फिक्स किया जा रहा है, इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। और गाइस, बहुत सारे यूजर ने मुझे कॉमेंट किया मेरा डिवाइस में अभी तक ये अपडेट रिसीव नहीं हुआ, तो मेरा डिवाइस में कब तक अपडेट रिसीव होगा। तो गाइस, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको मैं बताऊंगा आपका डिवाइस में ये जो अपडेट दिसंबर मंथ में रोल आउट किया जा रहा है, अगर आप अभी तक आपका डिवाइस में नहीं आया है तो कब तक आपका डिवाइस में ओटी के थ्रू आएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, ये भी बताऊंगा रियलमी वाई 3.0 एंड्रॉइड 12 का अपडेट रियलमी 7 प्रो डिवाइस में कब तक देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आपके पास एक रियलमी 7 प्रो डिवाइस है तो गाइस चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन गाइस, वीडियो को बनने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जाओ फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप फिलहाल यहाँ पे देखिए Realme UI 2.0 Android 11 ऑफिशियल वर्जन अप टू डेट। आप यहाँ पे RMX नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए RMX 2170 Realme 7 Pro डिवाइस का RMX नंबर है। और गाइस, दिसंबर मंथ का अपडेट के साथ जो वर्जन यहाँ पे रोल आउट किया जा रहा है वो है C.28। नेक्स्ट जो अपडेट रोल आउट किया गया था पिछले बार उसका वर्जन था C.27, इस बार आपको C.28 रोल आउट किया जा रहा है। और गाइस, बहुत ही सारे मुझे कॉमेंट आता टेलीग्राम चैनल में जो भाई C.27 जो अपडेट था उसमें बहुत सारे बग था, जो फेस अनलॉक है वो भी काम नहीं कर रहा था ठीक ठाक, जो फिंगरप्रिंट है वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया था, आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कैमरा में दिक्कत आ रहा था, और गाइस व्हाट्सएप में जो लोडिंग इमेज है वहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन गाइस, ये जो अपडेट रोल आउट किया जा रहा है इसके साथ उन सभी बग को फिक्स किया जा रहा है। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, एक एक आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप बिल्कुल ही मत करना। तो गाइस, चेंज लॉक में आप फर्स्ट ऑफ ऑल पे देखिए अपडेट लॉक में एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेटेड नवंबर और दिसंबर 2021। इसका मतलब आपको नवंबर और दिसंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया जा रहा है जो आपको 5 दिसंबर का होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा है, रियलमी ने आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दे रहा है इस अपडेट के साथ। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, आप सिस्टम में ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, इसका मतलब आपका डिवाइस का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। और गाइस देखिए, बिल्कुल लास्ट में व्हाट्सएप का जो दिक्कत आ रहा था इमेज लोड नहीं ले रहा था, इस अपडेट के बाद वो भी आप फिक्स किया जा रहा है। और आप देखिए, चेंज लॉक में आपको इतना ही देखने को मिलेगा और इसके ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे बग को फिक्स किया जा रहा है। दोस्तों, दिसंबर मंथ का अपडेट के बाद Realme 7 Pro डिवाइस में जो WhatsApp का रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रहा था, इमेज लोडिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं मेरा डिवाइस में WhatsApp में। तो WhatsApp में जाने के बाद यहाँ पे एक चैट मैंने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक कैमरे का साइन देखने को मिलता है। तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इमेज आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन ये अपडेट के बाद नेक्स्ट जो अपडेट आता है उसके बाद यहाँ पे इमेज लोड नहीं ले रहा था। तो बहुत सारे यूजर ने मुझे कमेंट किया, तो गाइस फिलहाल देखिए यहाँ पे इमेज लोड ले रहा है और इमेज का जो यहाँ पे देखिए इमेज भी क्लिक भी हो रहा है और इमेज का क्वालिटी भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो व्हाट्सएप की रिगार्डिंग जो भी दिक्कत था Realme 7 Pro में वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो गाइस, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना आपका डिवाइस में ये प्रॉब्लम हो रहा था या फिर नहीं। तो उसके बाद दोस्तों देखिए, जो डिवाइस है अपडेट के बाद बहुत ही स्मूथ हो चुका है, आपको कोई भी लैगिंग या फिर हैंगिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रन हो रहा है। और आप देखिए, ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ओपन हो रहा है, मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है इस अपडेट के बाद। और गाइस, अगर आपका डिवाइस में आप वन प्लस का क्लॉक या फिर विजेट आपका डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके लिए गाइस मेरे चैनल में एक डेडिकेटेड वीडियो है, वहां पे मैं बहुत ही आसान एक सिंपल ट्रिक्स बोला हूँ जिसका थ्रू आप भी आपका डिवाइस में वन प्लस का जो विजेट है या फिर जो क्लॉक है आपका डिवाइस में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऊपर बैठो मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके जरूर वीडियो को देखना और आपका डिवाइस में वन प्लस जैसा क्लॉक या फिर इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद बहुत सारे यूजर ने मुझे कमेंट किया था जब भाई नेक्स्ट जो अपडेट आया था उसके बाद जो फिंगरप्रिंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया था। लेकिन गाइस देखिए, इस अपडेट के बाद आपको फिंगरप्रिंट बिल्कुल स्लो नहीं देखने को मिलता है, आप देखिए फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है। आप फिलहाल देखिए, टच करने के बाद ही यहाँ पे डिवाइस ऑन हो जा रहा है। तो फिंगरप्रिंट का जो इशू था इस अपडेट के बाद यहाँ पे फिक्स हो चुका है, आप देखिए बहुत
ही मतलब फास्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट काम हो रहा है। और गाइस फेस अनलॉक भी यहाँ पे फिलहाल टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे डिवाइस को ऑन ऑफ किया और गाइस देखिए तुरंत ही डिवाइस यहाँ पे ऑन हो जा रहा है, स्क्रीन ऑन हो जा रहा है। तो मतलब फेस अनलॉक भी बहुत ही अच्छा हो चुका है, बहुत ही फास्ट हो चुका है इस अपडेट के बाद। पिछले अपडेट के साथ और एक मुझे बग देखने को मिल रहा था, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग। तो गाइस आप जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा होता है उसको अगर आप ऑन करते तो यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन गाइस इस अपडेट के बाद वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो बहुत सारे यूजर ने भी मुझे कॉमेंट किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन गाइस इस अपडेट के बाद वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा था तो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों इस अपडेट के बाद जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसका वर्जन भी फिलहाल यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो गेम स्पेस है उसका वर्जन आप फिलहाल यहाँ पे देखिए, उसका वर्जन है 6.10.1। और गाइस ये जो गेम स्पेस है इसके अंदर आपको वॉइस चेंजर और 40 वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस आप भी अगर आपका डिवाइस में गेम स्पेस या फिर रियलमी या फिर ओप्पो का किसी भी सिस्टम एप्लीकेशन को आप अपडेट करना चाहते हो तो आप मेरा ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल रियलमी ओप्पो सिस्टम एप्लीकेशन अपडेटर चैनल को ज्वाइन हो जाओ। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके फटाफट सिस्टम एप्लीकेशन अपडेटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ। तो गाइस फिलहाल इसका जो फोन मैनेजर है उसका वर्जन भी आप यहाँ पे देख लीजिए, उसका वर्जन है 8.7.3। ये भी आपको लेटेस्ट वर्जन को देखने को मिल जाएगा। और गाइस जो थीम स्टोर है उसका भी एक लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो आप जाओ यार फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे सभी लेटेस्ट वर्जन का लिंक देखने को मिल जाएगा। रियलमी 7 प्रो डिवाइस में रियलमी वाई 3.0 का जो अपडेट है वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, बहुत सारे यूजर ने मुझे कॉमेंट किया। तो फिलहाल देखिए रियलमी वाई 3.0 का जो अर्ली एक्सेस रोड मैप होता है उसका रिकॉर्डिंग रियलमी वाई 3.0 का अपडेट फर्स्ट बीटा अपडेट रियलमी 7 प्रो को आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे Q1 2022 में, इसका मतलब जैन फेब और मार्च के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी 7 प्रो डिवाइस में रियलमी वाई 3.0 एंड्रॉइड 12 का अपडेट। और गाइस ये जो अपडेट है दिसंबर मंथ में ये जो रोल आउट किया जा रहा है, ये जो अपडेट अगर अभी तक आपका डिवाइस में ओटी के थ्रू नहीं मिला है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैक्सिमम 2 वीक होता है उसके अंदर ही आपका डिवाइस में ओटी के थ्रू ये अपडेट आ जाएगा। अभी गाइस कुछ सिलेक्टेड यूजर के लिए ये अपडेट रोल आउट किया जा रहा है, कुछ ही सिलेक्टेड यूजर के लिए, तो बहुत ही जल्द आपका डिवाइस में ओटी के थ्रू ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। और बहुत ही जल्द BGMI टेस्ट भी आने वाला है रियलमी 7 प्रो डिवाइस में दिसंबर मंथ का अपडेट के बाद, इसलिए गाइस आप मस्ट भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो यार मिलते हैं और इतना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।